ये ट्रेन का एक रिकॉर्ड है, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। वापस आए एक नए ब्लॉग में, अभी हम सूरत रेलवे स्टेशन पर है और हम ट्रैवल करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस से अहमदाबाद से। प्लेटफॉर्म के इतना क्राउड है, तो फाइनली हम स्टेशन पे आ गए हैं और थोड़ी देर में अपना ट्रेन आने वाला है, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलो मैं आपको ट्रेन के बाहर से ट्रेन का कॉकपिट दिखाता हूँ। देखो ये अपना ट्रेन निकल चुका है, आते हुए भी आपको ट्रेन का नज़ारा दिखाया और जाते हुए भी दिखा रहा हूँ। बोला यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो हमारा ट्रेन निकल चुका है, आप देखते हो तुरंत ही कितना स्पीड पकड़ लिया है ट्रेन ने। ये ट्रेन का एक रिकॉर्ड है, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। आ गया है ये ट्रेन अटेंडेंट है। ट्रेन के अंदर के टॉयलेट का नजारा दिखाते हैं, कैसा साफ सुथरा है। अभी हम वॉशरूम के अंदर आ गए हैं, ये देखो टॉवल हैंगर, ये पानी का टैप, बहुत ही फ्रेश पानी है। ये सॉप डिस्पेंसर था, ये बायो टॉयलेट है, ये अपने आप में अंदर खींच लेता है। फ्रेशनर, अभी सॉप डिस्पेंसर में सॉप निकाल के हाथ धोते हैं।
भाई गजब का है, कितना क्लीन है। ये हैंड ड्रायर है सही में। ये देखो मिरर भी कितना साफ सुथरा है। चलो अब हम बाहर जाते हैं। भाई भाई देखो ट्रेन का क्या रफ्तार है, गजब है गजब। ये पेंट्री है, हर कोच में ये पेंट्री होता है। ऑटोमेटिक डोर, सिर्फ टच करो डोर ओपन, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम। ये बंद कर दो ना, खुला कर। देखो ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है। देखो सीट भी कितना सॉफ्ट है। बाजू में से डुरंटो एक्सप्रेस क्रॉस करते हुए फाइनली पानी का बोतल आ गया है रेलवे की ओर से है। अभी गाड़ी के बारे में कुछ बताते हैं। ब्रेकफास्ट आ गया, चाय और ब्रेकफास्ट आप देख सकते हो। ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये कर्ड है, समुद्र का कर्ड, गर्म पानी, इंस्टेंट चाय प्री मिक्स है, कटलरी, थेपला, गुजराती थेपला, खाना अनबॉक्स करते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट अनबॉक्स हो गया है, इसमें पूरा की जान खमन है, वहाँ है सांभार है, आपको मिलाई दिया है। चाय में बना लिया पी रहा हूँ, चाय काफ़ी हद तक अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है। मेरे कोच में ज़्यादातर स्टूडेंट ही है जो बम्बई से आए हैं। अभी वो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ौदा से नज़दीक में ही है, तो वहाँ वो लोग उतर जाएंगे। ये ट्रेन का ऑटोमेटिक कर्टन है, जहाँ पर रोकोगे वहाँ रुक जाएगा। तो बड़ौदा स्टेशन आ चुका है, स्टेशन नहीं है, बड़ौदा जंक्शन बोलते हैं।
यहाँ से दूसरे रोड के लिए ट्रेन डाइवर्ट नहीं होती है। यहाँ पर 2 मिनट का होल्ड है। हमारे ये कोच खाली हो गया, पूरा कोच खाली हो गया है। ज़्यादातर स्कूली बच्चे जो कि जाने वाले हैं, वो पैसेंजर होगा सर। और है ना, ये कोच भी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोग ही हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकेगा। गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये लाइट ब्लिंक होने लगी है, समझना है कि आपको अभी गेट बंद होने वाला है। गेट बंद हो चुका है और वापस ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेगी। दरवाजे बंद हो रहे हैं। चालू हो गई है। अभी ये ट्रेन सिर्फ सीधा अहमदाबाद जाके ही रुकेगी। कितने सारे बच्चे, ऐसा लगता है कि पूरी स्कूल आ गई है। ट्रेन अपनी रफ्तार से विश्वामित्री नदी क्रॉस करते हुए, क्या नज़ारा है।
यहाँ से अभी ये ट्रेन गांधीनगर की ओर जाने वाली है। गांधीनगर उसका लास्ट स्टेशन है।